इसके बाद इसके बरोबर से साइड से छीला जाएगा। छीलने के बाद ये इस तरह का डिजाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके लिए हैंडल लगाया जाता है पकड़ने के लिए, ताकि छापने वाला इसको उठा के छाप सके आराम से। तो इस तरह का हैंडल लगाया जाता है इस पर, फिर उसके बाद छपाई होती है। इससे अगला जो प्रोसेस है वो प्रिंटिंग का है। कपड़ा टेबल पर बिछाओ होता है, ये 18 फुट लंबी टेबल होती है। इस 18 फुट लंबी टेबल पर करीब 20 पड़त जो है टाट के होते हैं, जूट के। उसके ऊपर 4 या 5 पड़त अलग से कपड़े के होते हैं। ये कपड़ा बिल्कुल वेस्ट होता जाता है, क्योंकि जो भी कपड़ा प्रिंटिंग क्लॉथ से नीचे छन करके जो रंग जाता है वो इस कपड़े पर लग जाता है। ये भी बार बार धोए जाते हैं और दोबारा से यूटिलाइज हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त पहला रंग प्रिंट हो रहा है, इसे रेक कहते हैं।